चार दिन पहले 16 अगस्त उदयपुर में हुई चाकूबाजी की घटना में घायल छात्र को महाराणा भोपाल अस्पताल में उसकी बहनों ने राखी बांधी। कलेक्टर की स्वीकृति मिलने के बाद बहनें अस्पताल पहुंची और भाई को राखी बांधकर उसके दीर्घायु होने की प्रार्थना की, लेकिन विधाता के आगे किसी की न चली और आखिरकार घायल छात्र ने रक्षाबंधन के दिन आखिरी सांस ली। इससे पूर्व प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए हॉस्पिटल के गेट बंद कर दिए थे। वहीं शहर में खुले हुए बाजार भी इस सूचना के बाद बंद होते नजर आए। शहर में मौजूद पर्यटक भी सूचना के बाद सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। आपको बता दें कि घायल छात्र पर उसके ही साथ पढ़ने वाले छात्र ने चाकू से हमला कर दिया था। जयपुर से भी डॉक्टरों की टीमें आई लेकिन उसको नहीं बचा सकी। चार दिन के संघर्ष के बाद घायल छात्र ने अंतिम सांस ली। इस घटना के बाद प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है।